अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो मैंने कहा चलें जी, मैं भी अपने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जी आज एक वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और ये वीडियो जो है बड़ी ख़ास है और जो है ना वो मेरे शॉपिंग एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। तो मैंने कहा चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि जो मैंने की थी बच्चों के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, करती हूँ हम लोगों को दिखाना मैंने क्या लिया है। और जनाब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मैंने परफ्यूम लिया है अपने हस्बैंड के लिए अपनी पॉकेट मनी से, जो कि वो ले नहीं रहे थे, हम मैंने जो है वो बस उठा लिया उनके लिए। मैं दिखाती हूँ ये कौन सा है और मैं अब अपनी शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ और मैं बारी बारी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। सो चलें जी शॉपिंग को करते हैं अपनी स्टार्ट। मुझे अब मेकअप उठा कर दें। ये मैंने जो है ये लिया था मैंने जे डॉट से कंसीलर अपने लिए। मैं इसकी भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना कर ना दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये कंसीलर है, मैं आपको दिखा दूं। और इसको ना यहाँ ये जो है ना इसका, इससे हम इसको प्रेस करते हैं तो वो निकल कर आता है। और ये आई गेस आप लोगों को आई होप नज़र आ रहा हो, ये रहा। और ये इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इस तरह तो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो है मैंने कंसीलर लिया था जे डॉट से अपने लिए, पर अब मुझे वो दिखा दें, इसे चलें आप दे दें। ये जो है ये लिया है मैंने परफ्यूम, इसको ओपन करूं? इसको ओपन करते हैं, चलें देखते हैं ओपन करके। चलिए मैंने इसकी ऊपर की तो सील खोल ली है, अब मैं ज़रा इसको निकालती हूँ बिस्मिल्लाह करके। मैं आपको ना इसकी बॉटल दिखाऊंगी कि ना इसकी बॉटल कितनी प्यारी। चले मैं इसकी ये तो फाड़ ही देता हूँ, छोड़ें इसका क्या करना है हमें, थैली का मुझे संभाल के तो कोई रखनी नहीं है। हाँ जी चलें भाई, अब 1 2 3 मैं इसको निकालने लगी हूँ बाहर। हस्बैंड के लिए कुछ अपने पास से लेना तो उसकी शशके ही अलग होते हैं। ये देखें आहा क्या बॉटल है, मज़ेदार। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेदर ब्लेंड। चलें अशफान वो ला कर दें मुझे ज़रा ये शूट। मैं आप लोगों को ना ज़रा अपनी चप्पल दिखा दूं, जो मैंने ना अपनी चप्पलें ली थी, ये देखें ये है मेरी चप्पल जो मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी। ये असल में दो चप्पलें और ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। दूसरी भी ऐसी है, वैसे निकाल देती हूँ चलें। ये देखें ये चप्पल है। अच्छा मैं अपनी दूसरी चप्पल दिखाती हूँ, अश्वान वो मुझे आगे करें, दूसरा वाला बॉक्स दिखाएं अश्वान। ये रही मेरी दूसरी चप्पल, और ये रही भाई दूसरी चप्पल। तो ये थी जनाब मेरी जो है वो दोनों चप्पलें। ये हम गए थे स्टाइलो, तो मैंने आपको दिखाया था ना कि आज मैंने स्टाइलो से मेरे दो दो चप्पलें ली हैं। तो ये थी मेरी दोनों चप्पलें। अरशवान को पता नहीं क्या मोहब्बत है चप्पलों के, जो है ना उनसे खुशबू अरशवान को बहुत अट्रैक्ट करती है, खुशबू सूंघते रहते हैं। अच्छा जी मुझे फलीशा आप मुझे एक बैग दें, अब इसमें किसका है? बस एक बैग आ गया, आ गया। इसमें मैं आपको दिखाऊँ उसमें किसका निकला है। ओह अच्छा, इसमें निकला है अरशवान का, अरशवान का कुर्ता है और ये अरशवान की उल्टी हो गई, और ये अरशवान की शलवार है। इसको जो है मैं खोल कर दिखाती हूँ, चले मैं अब खोल रही हूँ उसको ना, अरशवान का कुर्ता। ये ऑल्टर करवाया क्योंकि ना वो मुझे लटकी हुई आस्तीनें, लटकी हुई कमीज़ें वो नहीं अच्छी लगती बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए मैं ना अरशवान का पहले तो अब काफ़ी ईद से तो मैं अरशवान का स्टिच करा दी थी खुद अरशवान का और अरशवान के बाबा का, लेकिन फिर जो है ना वो मुझे जब मैंने फलीशा का सूट लिया ना तो मुझे ना अच्छा लगा कि चलो अरशवान के लिए भी ले लूँ। फिर बच्चे ना एक्चुअली फ़ील बहुत करते हैं, बच्चे कहते नहीं हैं बट बच्चे फ़ील करते हैं। मुझे पता है मैं इस वक्त अरशवान के सामने ये बात बोल रही हूँ, बट येस बच्चे फ़ील करते हैं कि आपने उनका लिया और मेरा कुछ क्यों नहीं लिया। तो ये मैंने ना अरशवान का कुर्ता लिया है, अब इससे ज़्यादा ओपन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बहुत खूबसूरत येलो कलर है इसका ना, बहुत प्यारा कलर है और अरशवान पर बहुत सूट करेगा। और ये ना इनकी इसकी शलवार है जो मैंने अरशवान की लिए जे डॉट से, पूरा सूट ले लिया अरशवान का। अब मैं ज़रा ना फलीशा का दिखाती हूँ आपको सूट। फलीशा आगे कर दें बेटा अपना बैग, थैंक यू।
अब मैं फलीशा का दिखाऊँ, फलीशा का तो बहुत पाला है। आहा आहा, फलीशा का बहुत पाला है। आज मैं इस ईद पर ना दोनों बच्चों ने येलो की टोन ली है, मैंने दोनों बच्चों की, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो लेकिन मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये कितना कितना मतलब खूबसूरत है। मैंने आपको उस दिन भी बोला था ना कि अश्मान के जो बाबा हैं ना इन बच्चों के, यानी मेरे हस्बैंड, उनकी ना चॉइस बहुत डिफरेंट है और उनको ना हर चीज़ नहीं समझ में आती, वो हर चीज़ ना इस तरह आसानी से उनको समझ में ही नहीं आती। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका जो दुपट्टा है ना, उसका दुपट्टा, ये ज़रा वो चुन्नों वाला, चुन्नटों वाला होता है ना, ये वो दुपट्टा है इसका। और फलीशा की ख्वाहिश थी पिंक कलर, तो फलीशा का ये ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी पिंक लेकर। अच्छा मैं ना अब आपको इसकी शलवार दिखाती हूँ। अश्मान आप दुपट्टा रख देंगे इसके अंदर, चेक करो। ये तो उसकी शर्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसकी ना स्लीव्स पे अगर दिख रही हूँ, ये देखें इसकी स्लीव्स पे भी इतना प्यारा काम हुआ हुआ है। और इसकी ना शलवार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगर ये नज़र आए इस पर, ये देखें। इस वजह से ना मैं सिर्फ जे डॉट से लेती हूँ फलीशा के कपड़े, क्योंकि ना बस एक तो बस मुझे पसंद है तो जे डॉट तो मुझे पसंद है, दूसरी चीज़ ना ये लोग बच्चियों के कपड़ों में ना शलवार ट्राउज़र्स हो गए, वेदर शर्ट्स हो गई या दुपट्टे हो गए, ये लोग ना बच्चियों के भी ऐसे बनाते हैं जैसे ना वो हम कहते हैं ना मजाक में कि दादी अम्मा आ रही हैं, तो वो बड़े बहुत ही ना बड़ों की तरह ना बच्चियों के भी कपड़े बनाते हैं ना, तो वो लोग ना ज़रा सारे लवाजमात होते हैं ना बच्चियों के प्रॉपर, हाँ भाई लगे यार कि ये भी जो है ना वो इनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी भी इज्जत है, ये भी जो है ना प्रॉपर आ रही है, तो वो इस तरह से ना बच्चियों के करते हैं। आई होप यमीना फातिमा आपको ना आंसर्स मिल गए होंगे आपके सारे सवालात के, जो आपने मुझसे कहा था कि मेरा क्या एक्सक्यूज़ था, मैं जे डॉट कर रही थी और मैंने लिया नहीं था, तो मैंने लिया था जे डॉट से, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही व्लॉग में ना हर चीज़ कवर करूँ। वो व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं दिखाऊँ कि यार की वन में ना क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग जाकर ना सेल जल्दी से पकड़ लें, बड़ी ज़बरदस्ती सेल लगी हुई है और आप लोग भी सेल से फ़ायदा उठाएं। इस ज़रूरी नहीं है कि मैं उधर ही बैठकर, तो मैं टेबल पे खोलकर आपको या दुकान पे मैं ज़मीन पे बैठ जाती हूँ और मैं दिखाती हूँ चलो भाई बाजी आओ मेरे कपड़े देखो मैंने ये लिए, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि जो है वो एक ही व्लॉग में ना सब चीज़ कवर की जाए, डिफरेंट डिफरेंट बनता है। अगर मैं एक ही व्लॉग बनाती और आपको शॉपिंग दिखाती तो यार आप लोग भी बोर हो जाते, वो आधे घंटे से भी ऊपर का चला जाता, तो अब आधे घंटे कौन चिपक के बैठेगा। तो मैंने कहा चलो जी मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग को कवर करती हूँ इसमें, तो आई थिंक मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं, कुछ रह तो नहीं गया है, नहीं कुछ नहीं रहा। अच्छा जी ये देख लें जी, हो गया ना फलीशा का, ये मैंने रख दिया, कुछ रह तो नहीं गया। फलीशा की शर्ट आ गई, अच्छा ये अरशमान का जो है वो आ गया कुर्ता, अरशमान की शलवार ये रही नीचे झांक रही है, मेरा जो है वो इसमें ही कहीं ना कहीं मेरा मेकअप है। और मैं अपनी चप्पलें ज़रा रख दूँ सामने दिखा दूँ भाई दोबारा से, ये रही मेरी चप्पलें। और जो है ना मैंने सूट था तो मैंने कहा सूट पे रखूँ नहीं चप्पल, मैंने साइड पे रख देती हूँ इस तरह करके, ये मेरी चप्पल आ गई। अगर नहीं नज़र आ रही तो चलिए चौके आप लोग देख चुके हैं पहले। और जो है ना ये मेरी आ गई दूसरी चप्पल, ये देखें मैंने फलीशा की मैचिंग का सूट नहीं लिया तो क्या हुआ, मामा ने चप्पल फलीशा जैसी ले ली, उनको बड़ा होता है कि मेरे जैसा आप लें, तो ये जो है मेरी चप्पल आ गई। और जी अब क्या रह गया, मेरा कंसीलर और वो एक अदद परफ्यूम था वो नीचे दब गया है, ये रहा जी, ये मैं बार बार दिखा रही हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी है इस दफ़ा मैंने हस्बैंड के लिए लेकर जो है ना ले लिया, ज़बरदस्ती लिया है मैंने सवा, लेकिन ले लिया मैंने और जो है ना वो मेरा कंसीलर कहीं नीचे दब गया, खैर कोई मसला नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, आई गेस थोड़ी सी कम है लेकिन ज़रूरत के तहत, ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें ज़रूरी थी बस मैंने वो ली। तो आई होप कि यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और साथ ही मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा, और वहाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे वहाँ भी DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में मिलेंगे, आप लोगों से शेयर करूँगी और भी चीज़ें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोविड जो है दोबारा से फैल रहा है तो जो है वो मास्क पहने और प्रॉपर SOPs के साथ निकलें, और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, सबका ख्याल रखा करें, कोशिश करें कि अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें और अपनी ज़बान से कुछ ऐसा ना निकालें कि सामने किसी को कोई चीज़ बुरी लगे और फिर अल्लाह ताला आपको अपनी पकड़ में ले ले। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे बच्चे देखें, ये हैंगर और डब्बे, ये इन लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, खाली डब्बे इससे खेलते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
कुछ।